वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल HSC टेक्निकल और मैं हूं आपके साथ एरहाम अहमद। सो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी रेट एंड सेवेटी रेट किस तरह से निकालते हैं, और वीडियो के अंत में हमने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिकनेस रेट एंड इंसिडेंट पोटेंशियल रेट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसे हम निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है व्हाट इज़ सिकनेस रेट, व्हाट इज सिकनेस रेट, हाउ टू कैलकुलेट सिकनेस रेट, उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट इंसिडेंट पोटेंशियल रेट। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे आप सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाट इज़ सिकनेस रेट। तो सिकनेस रेट होता क्या है, जैसे इसका डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द लाइक्लीहुड ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू सिकनेस, किसी व्यक्ति को बीमारी के वजह से एब्सेंट रहने की जो वजह है, उसकी जो संभावना है, उस संभावना को हमें निकालना है कि उसका सिकनेस रेट क्या है। जैसा कि इसका फॉर्मूला है सिकनेस रेट का, नंबर ऑफ सिकनेस केसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 1000। तो जो जितना भी केस है सिकनेस के, जैसे मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए कि 200 वर्कर है, 200 वर्कर में 20 वर्कर बीमार है, तो वो आपको सिकनेस केस हो जाएगा। और जो एम्प्लॉइज लिख देना और 1000 से उससे गुणा कर देना। चलिए फिर देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिकनेस केसेस जो है वो आपका 20 है। जैसे मान लीजिए कि 200 एम्प्लॉय है, तो 200 एम्प्लॉय में जो है 20 एम्प्लॉय जो आपका वो बीमार के वजह से नहीं आ पा रहा है, और नंबर एम्प्लॉय वो 200 है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिकनेस रेट जो निकालना है, 20 आपका हो गया सिकनेस केसेस अपन 200 हो गया आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू 1000। तो जब 20 इंटू 1000 करेंगे तो 20000 आएगा। 20000 को आप 200 से डिवाइड करेंगे तो आपको 100 आएगा। आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है इंसिडेंट पोटेंशियल रेट। इंसिडेंट पोटेंशियल रेट आखिरकार होता क्या है, पहले ये हम जान लेते हैं। इंसिडेंट पोटेंशियल रेट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि काम करने के दौरान कोई भी घटना हुआ, और घटने में अगर कोई भी मजदूर जख्मी हो गया या किसी तरह का इंजरी हो गया, और वो अगर अगले 48 घंटे के अंदर नहीं आ पाता है, रिपोर्ट नहीं कर पाता है, और अगर अगले 48 घंटे के बाद आता है, तो वो आपको रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो रिपोर्टेबल होगा तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका फार्मूला है, नंबर ऑफ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन अपन मेन हावर्स वर्क इंटू 1,000,000, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके कंपनी में 200 वर्कर हैं, 200 वर्कर में अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन जो है वो आपको 20 हुआ। देखिए, अनसेफ एक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी अनसेफ एक्ट के, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी मशीन ले लीजिए आप, उसका वायर अगर कटा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में काम किया, उसका वायर कट गया, ध्यान नहीं दिया, दूसरे शिफ्ट में जो आदमी आया वो उसे काम किया, तो वो क्या हुआ कि उसके लिए कंडीशन बन गया। पहले से तो अनसेफ एक्ट हो चुका था और दूसरे शिफ्ट वाले के लिए वो कंडीशन बन गया। तो इसी तरह हमने यहाँ पे 20 अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन को लिया, ठीक है। जब अनसेफ एक्ट होगा तो क्या होगा, कंडीशन होगा, ठीक है। और मेन हावर्स वर्क जो है वो कितना, 40,000। मेन हावर वर्क कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मेन हावर्स वर्क जो है वो किस तरह से निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन हावर्स वर्क फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है मेन हावर्स वर्क फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू नंबर ऑफ मेन डेज नंबर ऑफ वर्क हावर। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो है 200, और उसको आप इनटू कर दें नंबर ऑफ मेन डेज, अब कितना दिन काम चला। जैसे मान लीजिए एक महीने में आपका 25 दिन काम चला, ठीक है। नंबर ऑफ वर्क हावर 8, मतलब 8 घंटा जो वो स्टैंडर्ड है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड को लिया। तो आप जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको 14,000 आएगा। तो इंसिडेंट पोटेंशियल रेट जो आपका है वो फार्मूला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 20 जो आपको है ये आपको यहाँ पे अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन है, ठीक है।
अपन 14,000 जो है वो आपको मेन हावर वर्कड है, और इसे आपको इंटू कर देना है 1 मिलियन से। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 500 आएगा इसका इंसिडेंट पोटेंशियल रेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, तो यही चीज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी था। और आपको आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।